वेलकम टू माय चैनल आईसीटी बाय रुचि। मैं रुचि बंसल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पाइथन का प्रोग्राम बिग नंबर फाइंड करने का, मतलब कि यूज़र ने कुछ नंबर्स इनपुट करा, कुछ नंबर हमने इनपुट करा और उनमें से कौन सा नंबर बिग है, इसको फाइंड करने का एक पाइथन में प्रोग्राम बनाएंगे और उसे हम ट्रिंकेट पे बनाएंगे। ट्रिंकेट क्या है, ट्रिंकेट में कैसे कोड करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, हम ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, ये हमारा ट्रिंकेट का यूआरएल होता है, trinket.io/login। हमने ट्रिंकेट पे गए। ट्रिंकेट बेसिकली क्या होता है, ट्रिंकेट आपकी एक वेबसाइट है या एक वेब एप्लीकेशन है। इसमें आप पाइथन के प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, बना सकते हैं बिना अपने सिस्टम पे पाइथन को इंस्टॉल करे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने अपने मोबाइल पर पायरेट की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करी और उसमें हमने डायरेक्ट पाइथन के प्रोग्राम्स बनाए, सेव करें, डाउनलोड करें। सिमिलरली हम ट्रिंकेट पे भी अपने पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उन्हें रन कर सकते हैं। कुछ पाइथन की एडिशनल लाइब्रेरीज भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूआरएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस यूआरएल पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको साइन इन विद गूगल क्लेवर एडमो ये पूछेगा। मैंने साइन इन विद गूगल करा, तो जब मैं साइन इन विद गूगल करूंगी तो इसने मेरा ईमेल आईडी पूछा, कौन से मेल आईडी से आप करना चाहेंगे। तो मैंने ictbyruchi@gmail.com इस वाले अकाउंट से मैंने लॉगिन करा। तो देखिए लॉगिन करते ही मेरा इसने ictbyruchi@gmail.com मेरा ये अकाउंट बन गया है। अब मुझे सबसे पहले एक पहला प्रोजेक्ट बनाना है। सो मैं क्या करूँगी, मैं न्यू पे जाऊँगी। सो वी विल गो फ्रॉम हेयर माय ट्रिंकेट्स, या फिर आप न्यू ट्रिंकेट पे जा सकते हैं। तो मैं न्यू ट्रिंकेट पे जाती हूँ। न्यू ट्रिंकेट पे पाइथन पे गए। जब हम न्यू ट्रिंकेट से पाइथन पे गए तो हमको ये वाला इंटरफेस खुला आएगा। इस इंटरफेस पे जाते ही आज हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। पहले हम बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड का। तो चलिए बनाते हैं। हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इसको मैं रन कराने के लिए यहाँ पे ऊपर RE1 रन लिखा है, इस पर क्लिक करिए। देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड बन गया। इस प्रोग्राम को सेव करना है, जहाँ पे आपका टाइटल लिखा हुआ है आप इस पर डबल क्लिक करिए और हेलो वर्ल्ड लिख दीजिए, इसका सेव का बटन दबा दीजिए। तो ये आपका सेव हो गया, माय ट्रिंकेट्स हेलो वर्ल्ड। फिर से आप यहाँ पर जाइए, ऊपर माय ट्रिंकेट्स पे जाएंगे तो आपको आपके प्रोग्राम्स जो आपने बनाए हैं, जैसे कि मैंने हेलो वर्ल्ड बनाया, मेरा ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब मुझे आज की क्लास में क्या बनाना है, एक नया प्रोजेक्ट दो नंबर्स में से बिग नंबर फाइंड करने का। तो मैं जाती हूँ न्यू ट्रिंकेट पे पाइथन। तो चलिए जल्दी से हम कोड करते हैं। सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कि ये हमारा प्रोग्राम किस पे लिए है, प्रोग्राम टू फाइंड बिग नंबर। ठीक है, नाउ अब हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। मैंने ए को 45 ले लिया, बी को मैंने 23 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, नंबर इनपुट कराने के बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट देनी है, चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है या ए और बी बराबर है। तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड देन कोलन एंड इफ ए एंड ग्रेटर देन बी एंड देन उसके बाद हम डालेंगे कोलन प्रिंट, मैसेज का प्रिंट कराएंगे ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर। उसके बाद अगर ए बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी बड़ा होगा या हो सकता है बी बराबर भी हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे एलिफ ए इज इक्वल टू बी। मैं इसी मैसेज को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, प्रिंट ए एंड बी इज इक्वल। नेक्स्ट अगर इक्वल भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो लास्ट कंडीशन क्या बचती है, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। ठीक है, बन गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम।
अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे हमें स्पेस देना पड़ेगा, एल्स के बाद हमें यहाँ पे कोलन लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमने आपको बताया था पाइथन में आप जो भी सिंटैक्स है और जो इंडेंटेशन है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ये बता रहा है, हम जैसे रन करा यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया ए इज ग्रेटर। ठीक है, इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ, मैंने इसका फॉन्ट बड़ा कर दिया, अब आपको दिख रहा है। आपको समझा देती हूँ, प्रिंट प्रोग्राम टू फाइंड बिग नंबर, दो नंबर्स लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस जो था बी इज ग्रेटर वो हमने ऑप्शनल में लास्ट एल्स में लिख दिया। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो इनपुट करे, जो हमारा प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम में जो नंबर है उसको इनपुट करे, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। देखिए अब जब मैं इसको रन करूँगी तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने 56 एंटर कराया, अगेन इट इज टेलिंग ए इज ग्रेटर, क्योंकि बी की वैल्यू मैंने 23 दे रखी है। मैं बी को भी इनपुट करा लेती हूँ, इनपुट सेकंड नंबर, रन कराया, एंटर फर्स्ट नंबर, सो मैंने 34 डाला, सेकंड नंबर भी मैं 34 डालती हूँ, तो इट इज टेलिंग ए एंड बी इज इक्वल। तो देखिए बहुत बहुत ही सिंपल है, आपने ये प्रोग्राम बना लिया दो नंबर्स में से बिग नंबर फाइंड करने का। अब इसको सेव कैसे करना है, अगेन अनटाइटल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम को PRG बिग नंबर का, ठीक है, शॉर्ट नोटेशन प्रोग्राम टू फाइंड बिग नंबर, इसको हम सेव कर देते हैं। सो देखिए मैंने सेव कर दिया, ये आ गया प्रोग्राम बिग नंबर, इसको मैंने सेव करा, टिक का निशान बना आ गया, इसको मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ, शेयर पे क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ट्रिंकेट डाउनलोड एक zip फाइल में आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी है पाइथन में कोडिंग प्रोग्रामिंग करना। कोई भी आपको दिक्कत है तो आपकी मेरा ईमेल आईडी है ictbyruchi@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप ट्रिंकेट पे पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको फ़ोन पे भी कर सकते हैं, ट्रिंकेट की आप वेबसाइट फ़ोन पे खोलिए, आप उस पे भी कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो आप पायरेट ऐप को इंस्टॉल करिए। धन्यवाद।